प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वर्चुअली कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में दुर्गा पूजा में शामिल होंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धालुओं को मोदी संबोधित भी आज करेंगे। वर्चुअल रैली के लिए बीजेपी ने खास इंतजाम भी किए हैं और इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र के हर पोलिंग बूथ पर पीएम मोदी के लिए व्यवस्था की गई है। सभी जगह पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि लोग प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन सके। तो दोपहर 12 बजे का ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो वर्चुअली दुर्गा पूजा पंडालों से जुड़ेंगे और इसे लेकर तैयारियां हर तरह से की गई है। पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री के इस वर्चुअल तरीके से दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन आज करेंगे। पूजा मेहता हमारी सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा डिटेल्स के साथ। पूजा, क्या तैयारियां हैं, किस तरह से 12 बजे का ये कार्यक्रम है और क्या डिटेल्स हमारे पास? देखिए, ये पहली बार होगा इतने सालों में जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखेंगे एक दुर्गा पूजा इनॉग्रेट करते हुए, और ये काफी अहम हो जाता है क्योंकि अगले नेक्स्ट ईयर जो है विधानसभा चुनाव होने हैं 2021 में पश्चिम बंगाल में, लिहाजा बीजेपी की तरफ से औपचारिक तौर पे या फिर संगठन की ओर से ये पहली बार दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। कोलकाता की इजेडसीसी में बकायदा एक पंडाल बनाया गया है और वहीं पर आज 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूजा को इनॉग्रेट करेंगे। लेकिन कोलकाता के अलावा अन्य इलाकों में भी, पश्चिम बंगाल के, वहां पर भी पंडालों को इनॉग्रेट करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। हालांकि पंडालों में आयोजन भी किया गया था, जो कुछ प्रोग्राम होने थे, लेकिन हाईकोर्ट के ऑर्डर आने की वजह से उन सब प्रोग्राम को फिलहाल रद्द कर दिया है। लेकिन काफी महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन है, तो उससे पहले दुर्गा पूजा जो है पोलिटिकल टर्फ बन चुका है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। आखिरकार पश्चिम बंगाल के लोगों को किस तरीके से लुभाएगी दोनों पार्टी दुर्गा पूजा को मद्देनजर रखते हुए। और पूजा, दुर्गा पूजा जानते हैं सभी कि पश्चिम बंगाल में कितने बड़े उत्सव महोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। हमने इससे पहले देखा था कि ममता बनर्जी ने भी पंडालों को आर्थिक मदद के तौर पर 50,000 रुपए देने का ऐलान किया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से शुरुआत कर रहे हैं, वर्चुअली लोगों से जुड़ेंगे, उद्घाटन करेंगे, यानी चुनावों से पहले अब ये तैयारी है और आगाज दुर्गा पूजा पंडालों के जरिए हो रहा है। बिल्कुल, और जैसा कि आप भी बता रही थी कि क्लब, जितने भी दुर्गा पूजा क्लब है, लगभग 34,000 क्लब है जिनको 50,000 राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें पूजा इनॉग्रेशन की, इतने सालों में हमने देखा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक तरीके से मोनोपोली रही है, वो हर दिन कम से कम 5-6 पंडालों में जाके उसको इनॉग्रेट करती थी। लेकिन पिछले साल जो है उस समय बीजेपी प्रेसिडेंट थे अमित शाह, उन्होंने कोलकाता आकर एक पूजा को इनॉग्रेट किया था, तो पिछले साल से ही ये मोनोपोली को बीजेपी ने ब्रेक कर दिया है कि आखिरकार दुर्गा पूजा किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है और ना ही किसी स्पेसिफिक रीजन की है। ऐसा महोत्सव जो है वो सारे लोग उसमें शरीक होते हैं, सब हिस्सा लेते हैं, तो पिछले साल ही ये पूजा इनॉग्रेशन का जो है मोनोपोली ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है और इस साल पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12 बजे कई दुर्गा पूजा पंडालों में जो है इनॉग्रेशन एक साथ उद्घाटन करेंगे और बड़े स्तर पर इसकी तैयारियां भी की गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूजा, आगे भी आपसे डिटेल इस खबर को लेकर हम लेंगे और दर्शकों को भी अपडेट कराएंगे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store, डाउनलोड इट नाउ।